For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Salman Khan, dosti aur dushmani dono hi nahi bhulte. Yes, well, hello guys, welcome to Movies Adda. This is your host Nandos Jyoti Nahak. Salman Khan jo hai, definitely ईद पर उनकी फिल्म आने वाली थी इंशाल्लाह संजय लीला भंसाली के साथ, लेकिन वो फिल्म किन्हीं कारणों के वजह से नो शेल्फ हो गई फिल्म. उसके बाद बात आती है जिस तरीके से इतनी सारी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं. पहले उनकी फिल्म आने वाली है दबंग 3, ऑफ कोर्स सोनाक्षी सिन्हा साई मांजरेकर है उसमें. उसके बाद किक 2 आने वाली है, जैकलिन फर्नांडिस है उसमें. उसके बाद उनकी फिल्म आने वाली है राधे, जो कि बहुत जल्द अभी अनाउंस हुई थी थोड़े दिन पहले, जहाँ पर सलमान जो है साउथ कोरियन फिल्म है वहाँ पर एज अ कॉप प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं. लेकिन उस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस अभी तक फाइनल नहीं हुई है. जी हाँ, लीड एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है. तो काफ़ी जो मेकर्स हैं वो प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि स्काई इज पिंक के बाद प्रियंका के पास कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, जिसको लेकर ऑफकोर्स उनके पास जा रहे थे काफ़ी लोग कि आप ये फिल्म करेंगे क्या. लेकिन सलमान खान ने साफ मना कर दिया कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे. That is the rumor right now. अब ये सच है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा. लेकिन हाँ, सलमान खान ने डेफिनेटली काम करने से एक तरीके से मना ही कर दिया है. और हो सकता है कि अब जैकलिन और कटरीना में से वो डेफिनेटली कटरीना को चांस दें इस फिल्म के लिए, कटरीना को एज अ ईद गिफ्ट दें, वो राधे फिल्म कटरीना के साथ काम करते नजर आएँ, क्योंकि जैकलिन के साथ ऑलरेडी किक 2 में वो नजर आने वाले हैं. तो आपको क्या लगता है, कटरीना के साथ वो राधे फिल्म में आने वाले हैं या फिर नहीं? हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए. एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ.